स्वागत है आपका हमारे शुभम सुंदरम चैनल में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे की घटना क्या है। शिवरात्रि तो वैसे हर महीने आती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल भर में एक बार आती है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 12 मार्च को आ रहा है। महाशिवरात्रि का महत्व इसलिए है क्योंकि यह शिव और शक्ति की मिलन की रात है। आध्यात्मिक रूप से इसे प्रकृति और पुरुष के मिलन की रात के रूप में बताया जाता है। शिव भक्त इस दिन व्रत रखकर अपने आराध्य का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिरों में जलाभिषेक का कार्यक्रम दिनभर चलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की घटना क्या है? क्योंकि इस दिन पहली बार प्रकट हुए थे शिवजी। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिवजी पहली बार प्रकट हुए थे। शिव का प्राकट्य ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के शिवलिंग के रूप में था। ऐसा शिवलिंग जिसका ना तो आदि था और ना अंत। बताया जाता है कि शिवलिंग का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी हंस के रूप में शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। वह शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग तक पहुंच ही नहीं पाए। दूसरी ओर भगवान विष्णु भी वाराह का रूप लेकर शिवलिंग के आधार को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें भी आधार नहीं मिला। और उस समय 64 जगहों पर प्रकट हुए थे शिवलिंग। एक और कथा यह भी है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिवलिंग विभिन्न 64 जगहों पर प्रकट हुए थे। उनमें से हमें केवल 12 जगहों का नाम पता है, जिन्हें हम द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जानते हैं। महाशिवरात्रि के दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लोग दीप स्तंभ लगाते हैं। दीप स्तंभ इसलिए लगाते हैं ताकि लोग शिवजी के अग्नि वाले अनंत लिंग का अनुभव कर सके। यह जो मूर्ति है इसका नाम लिंगोभव है, यानी जो लिंग से प्रकट हुए थे। ऐसा लिंग जिसकी ना तो आदि था और ना ही अंत था। और इसी दिन शिव और शक्ति का मिलन भी हुआ था। महाशिवरात्रि को पूरी रात शिव भक्त अपने आराध्य शिवजी का जागरण करते हैं। शिव भक्त इस दिन शिवजी की शादी का उत्सव मनाते हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि को शिवजी के साथ शक्ति की शादी हुई थी। इसी दिन शिवजी ने वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। शिव जो वैरागी थे वह गृहस्थ बन गए थे। माना जाता है कि शिवरात्रि के 15 दिन पश्चात होली का त्यौहार मनाने के पीछे एक कारण यह भी है। तो यह थी वह पौराणिक कथा कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी हम इस प्रकार के वीडियो अपने चैनल पर डालें आप तक नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर यह जानकारी आप अपने मित्रों तक पहुँचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे साथ बातचीत करना चाहते हैं तो YouTube के अबाउट में होम पेज में जाकर आप मेरे Instagram लिंक पर क्लिक करके मुझे फॉलो करके वहां से मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार,
महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। जय भोले शंकर।